तो अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए लाभार्थी किसान हैं तो अभी पीएम किसान योजना में तीन चीजों की आखिरी तारीख है जो हम आपको विस्तार से बता देते हैं। इसको लेकर कृषि विभाग ने भी ऑफिशियल तौर पर घोषणा की है, वो भी हम आपको घोषणा भी दिखाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पीएम किसान योजना की देख लीजिए। पिछली जो 16वीं किस्त है वो 28 फरवरी 2024 को मिली थी और पीएम किसान योजना में केवाईसी है वो मैंडेटरी है और जो पोर्टल पर अवेलेबल है ओटीपी माध्यम से, फिंगर माध्यम से या फेस केवाईसी के माध्यम से आप केवाईसी कर सकते हैं। अब अगर आप केवाईसी करना चाहते हैं तो सीएससी सेंटर भी जा सकते हैं, ई मित्र वगैरह भी जा सकते हैं, जनसेवा केंद्र भी जा सकते हैं या फिर घर बैठे ही आप फेस केवाईसी या फिर ओटीपी केवाईसी कर सकते हैं। ये तरीके हैं। अब बात करते हैं कृषि विभाग ने क्या आधिकारिक घोषणा की है, क्या है आखिरी तारीख, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी एग्रीकल्चर इंडिया ने घोषणा करते हुए कहा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अग्रिम किस्त निधि की किस्त प्राप्त करने के लिए सभी लाभार्थियों को किसानों को सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। तुरंत ही 31 मार्च 2024 तक अपनी ई केवाईसी पूरी करवाएं और सम्मान निधि का लाभ उठाएं। अगर आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि पीएम किसान योजना की ई केवाईसी की आखिरी तारीख है और इस आखिरी तारीख से पहले सभी किसानों को केवाईसी करनी होगी। अब दूसरी बात है पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त की। पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त की भी आखिरी तारीख 31 मार्च है। अगर आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो इस घोषणा के अनुसार आप देख सकते हैं अगर आपके पीएम किसान के फॉर्म में कोई समस्या है तो अगर आप सुधार करवाते हैं तो पीएम किसान योजना की ये 16वीं किस्त 31 मार्च से पहले आपको प्राप्त होगी, यानी 16वीं किस्त के समय में प्राप्त होगी। और जैसा कि आप जानते हैं पीएम किसान योजना की किस्त 28 फरवरी को जारी हुई थी, हालांकि इसका समय 31 मार्च तक का है। सरकार 31 मार्च तक कभी भी किस्त जारी कर सकती थी और अब 31 मार्च के बाद जैसे ही 1 तारीख शुरू होगी उसके बाद पीएम किसान योजना कि 17वीं किस्त का समय शुरू हो जाएगा। और अब 17वीं किस्त के लेकर भी आखिरी तारीख है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार वगैरह, केवाईसी वगैरह, लैंड शेडिंग वगैरह, नया आवेदन वगैरह, अगर आप नया आवेदन करते हैं, लैंड शेडिंग करते हैं, आधार बैंक शेडिंग करते हैं या फिर केवाईसी भी करते हैं तो इन सभी को लेकर आखिरी तारीख है। अगर आप 31 तारीख से पहले पहले करवा लेते हैं तो आपको 17वीं किस्त का पैसा आपको 17वीं किस्त के समय पर ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 17वीं किस्त का समय शुरू होने की बात करते हैं तो इस प्रक्रिया में समय लगेगा और आपका 18वीं किस्त से पैसा शुरू होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण सोचने वाली बात है। अगर आपके आसपास में कोई ऐसे किसान हैं जो पीएम किसान का लाभ अभी प्राप्त करना चाहते हैं तो 31 तारीख से पहले पहले उन्हें पीएम किसान के लाभ प्राप्त करने हेतु अग्रसर कर सकते हैं, अन्यथा जो 17वीं किस्त का समय शुरू हो जाएगा और जितनी देरी होगी उस समय पीएम किसान की किस्त है वो 18वीं किस्त में मिलना शुरू होगी। अगर 31 तारीख से पहले करवाते हैं तो 17वीं किस्त में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यही पीएम किसान योजना को लेकर तीन महत्वपूर्ण अपडेट है जिनकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। अगर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सभी किसानों के साथ भेजिए जिससे वह 31 तारीख से पहले पहले अपने महत्वपूर्ण काम पूरा करें और पीएम किसान योजना की 16वीं और 17वीं और केवाईसी का जो लास्ट डेट है इन सभी किसानों को ये पता लगे और लगातार पीएम किसान के लाभार्थी बने रहने तो ये जरूरी है। अगर आपके बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है, ई केवाईसी नहीं है, लैंड सीडिंग नहीं है, आधार बैंक सीडिंग नहीं है या फिर आपके आसपास में किसी का नया आवेदन अभी तक नहीं हुआ है तो इन सभी किसानों को सूचित करें। धन्यवाद किसान मित्रों, मिलते हैं कोई अगली जानकारी के साथ।